रेलवे के कर्मचारियों ने रेल यात्रियों को दिया स्वच्छता का संदेश। नुक्कड़ नाटक कर यात्रियों को स्वच्छ भारत अभियान के लिए किया प्रेरित। कॉलेज आयुक्तालय के निर्देश पर छात्र संघ चुनाव तिथियां घोषित। 28 अगस्त को होगा छात्र संघ पदाधिकारियों के लिए चुनाव। मंदिर की जमीन पर बनी दुकानों को हटाने की कार्यवाही पर नाराज हुए समिति सदस्य। कार्यवाही के खिलाफ वृद्ध महिला सहित अन्य सदस्य बैठे धरने पर। और अंबेडकर सर्किल पर रोड रोलर ने मारी स्कूटर को टक्कर। स्कूटर के पीछे सवार 6 माह की बालिका हुई गंभीर रूप से चोटिल। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय रेल मंडल अजमेर की ओर से वर्तमान में चलाए जा रहे जिम्मेदारी के तहत रेल अधिकारी मंडल के रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों को साफ सफाई रखने के लिए प्रेरित करते हुए स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। रेल अधिकारी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई रखने, इधर उधर कचरा नहीं फेंकने, स्टेशन तथा सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान नहीं करने तथा खड़ी रेलगाड़ी में शौचालय का उपयोग नहीं करने के लिए रेल यात्रियों की समझाइश कर रहे हैं। गुरुवार को अजमेर से आए रेल अधिकारियों ने जो ही रेल स्टेशन पर मदरी की स्टाइल में डमरू बजाना शुरू किया तो यकायक रेल यात्री चौंक गए। यात्री मदारी बंदर के खेल के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक जींस पेंट व सलवार सूट में सजे धजी कुछ महिलाएं व पुरुष स्टेशन पर आए तथा नुक्कड़ नाटक के जरिए रेल यात्रियों को साफ सफाई के बारे में बताने लगे। नुक्कड़ नाटक के दौरान रेल अधिकारियों ने यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर अपनी संपत्ति समझते हुए साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए प्रेरित किया। मंडल कार्यालय अधीक्षक अजमेर अरविंद यादव ने बताया कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान को साकार करने के लिए भारतीय रेल मंडल की ओर से जिम्मेदारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अजमेर मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रेल अधिकारियों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से रेल यात्रियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक की टीम में जितेंद्र शर्मा, गोवर्धन नारायण, हरीश खेमानी, दीपक माथुर, कुमारी नेहा गुर्जर, साक्षी गुर्जर, कुसुमलता तथा बसंती आदि शामिल थे। देता हूँ, तुझे बताना होगा कौन सा पत्ता है। हाँ, उस्ताद बताएगा। जमुरे साहब ने एक पत्ता निकाला है। जमुरे उस्ताद, तुझे कैसे पता बेटा साहब के पास उगम का गुलाम है। उस्ताद, ये साहब तो खुद ही चोरू के गुलाम है। मैंने आज तक ब्यावर का रेलवे स्टेशन नहीं देखा है, आज वही दिखा दो उस्ताद। बस इतनी सी बात तो पकड़ मेरा हाथ और चल मेरे साथ। आ गए हम ब्यावर रेलवे स्टेशन पे, अब अच्छी तरह से देख ले, फिर मत कहना तो उस्ताद ने तेरी तमन्ना पूरी नहीं की। ये ब्यावर स्टेशन तो एकदम चकाचक है, साफ सुथरा, एकदम एकदम झकास। नहीं, आखिर रेलवे इसकी साफ सफाई में करोड़ों रुपए खर्च करती है, और जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने सफाई अभियान चलाया है उसके बाद तो रेलवे पर विशेष सफाई का ध्यान दिया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है उस्ताद। देखो, देख नहीं रहा है तू कहाँ खड़ा है? रेल परिसर में धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। ये जिम्मेदारी समझ लेगा उस दिन रेल तो क्या अपना पूरा भारत चमक उठेगा बेटा। वाह उस्ताद, वाह। Oh, my God.
वाली गंदगी और कचरे को दिखाया है। आज लोगों की जुबान पर रेलवे का नाम आते ही उनके जहन में गंदगी और कचरे का ख्याल आता है, लेकिन उनके जहन में कभी ये नहीं आता कि ये गंदगी और ये कचरा आखिर आता कहाँ से। गंदगी खुद ब खुद तो पैदा नहीं होती, बल्कि मेरे, आपके और इन जैसे कुछ यात्रियों के आलस, लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण ये गंदगी होती है। स्वच्छ रेल यात्रा की जिम्मेदारी रेल प्रशासन और रेल यात्री दोनों की ही बराबर की होती है। रेल प्रशासन तो रेल परिसरों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, रेलवे प्लेटफॉर्मों पर और रेल गाड़ियों की साफ सफाई के लिए नए नए उपकरणों का और मशीनों का इस्तेमाल कर रहा है। रेल विभाग तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है, लेकिन इसके विपरीत आज भी इस देश में इन जैसे कुछ यात्रियों के थोड़े से आलस, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के कारण प्लेटफॉर्मों पर और रेल परिसरों में ये गंदगी फैलती है और इसका सारा दोष केवल और केवल रेल प्रशासन को दिया जाता है। ये सब और नहीं चलने वाला है, अब समय आ गया है हर यात्री को रेल को स्वच्छ बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी समझने का समय आ गया है। अब कोई भी यात्री अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है, अब हर यात्री को अपनी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी और रेल के नियमों का पालन करना ही होगा, तभी आपकी ये रेल यात्रा सुरक्षित हो सके। राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय परिसर में बुधवार रात्रि में खड़े रोगी सेवा वाहन पर किसी असामाजिक तत्व ने पत्थर फेंक दिया। यह तो गनीमत रही कि पत्थर से कांच नहीं टूटा, नहीं तो वाहन के भीतर बैठे चालक को चोट आ सकती थी। वारदात के बाद चालक वाहन से बाहर निकला, लेकिन उसे बाहर कोई नजर नहीं आया। गुरुवार सुबह रोगी वाहन चालक ने सिटी थाना पुलिस में अज्ञात के खिलाफ शिकायत दी है। एकेच रोगी सेवा वाहन के चालक शंकर सिंह पुत्र बाबू सिंह ने बताया कि बुधवार रात में वह अस्पताल परिसर में खड़े रोगी सेवा वाहन में बैठा था कि इस दौरान दमदनाता हुआ एक पत्थर गाड़ी के आगे के कांच पर आकर लगा। तेज आवाज के कारण वह चौंक गया और वाहन के बाहर आया तो इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। घटना के बाद शंकर सिंह ने इसकी जानकारी अस्पताल प्रशासन को दी। अस्पताल प्रशासन की सलाह पर चालक ने गुरुवार सुबह अज्ञात के खिलाफ सिटी थाने में लिखित शिकायत दी है। शंकर सिंह ने बताया कि 4 माह पूर्व भी इसी प्रकार की घटना में गाड़ी का कांच टूट गया था। इसी प्रकार अज्ञात चोर खड़ी गाड़ी की बैटरी भी चुरा ले गए थे। मैं रात को गाड़ी के अंदर बैठा था और सामने से पत्थर आया और मैं मोबाइल के अंदर वो वीडियो देख रहा था, वो फिल्म देख रहा था। सामने से पत्थर आया कितने एकदम गाड़ी के लगी तो मैंने पकड़ने की कोशिश की, कितना वो बंदा अंदर होके बच गया, वो ऊपर से चढ़ के इधर बच गया। ढूंढने की कुछ कोशिश करी, वो मिला ही नहीं मेरे सकता था। तो नाम तो अभी पता है, कोई एक बंदा आया था, गर्मी तो पूरा भींगा था, वही लग रहा मुझे वही है। तो एक बार हम रिपोर्ट दर्ज करा ले और एक बार वो इसको सीसीटीवी कैमरे में देख लेते हैं। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के आह्वान पर बुधवार से ब्यावर संभाग के सभी जीडीएस सदस्यों की ओर से विभिन्न मांगों के समर्थन में शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रही। गुरुवार को मुख्य डाकघर के बाहर उपस्थित डाक कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ ब्यावर मंडल के अध्यक्ष हरि सिंह राठौर ने बताया कि ग्रामीण डाक सेवक कमेटी की सिफारिशों को AIGDUSU के सुझावों के साथ लागू करने, ग्रामीण डाक सेवकों को 8 घंटे के साथ विभागीयकरण करने तथा ग्रामीण डाक सेवकों को माननीय कैट नई दिल्ली एवं मद्रास बेंच के आदेशानुसार पेंशन इत्यादि देने को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है। राठौर ने सरकार तथा विभाग से इन 3 मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कर्मचारियों के हित में फैसला करने की मांग की है। बुधवार से प्रारंभ हुई हड़ताल के दौरान नवल किशोर श्रीमाली, नानू सिंह, राजेंद्र सिंह राठौर, सत्यनारायण वैष्णव, असराज मेघवंशी, भगवान सिंह राठौर, प्रेम सिंह, बालमुकुंद दिवाकर, पारसमल, पदमचंद जैन, अशोक कुमार त्रिपाठी, कृष्णदत्त पुजारी, बिरदी चंद शर्मा, छोटू खा, गिरधारी सिंह, नारायण सिंह, जगदीश वैष्णव, अमरचंद, मेवा सिंह, रामकरण जाट सहित अन्य ग्रामीण डाक सेवक शामिल थे। उधर ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा हड़ताल पर चले जाने पर डाक वितरण का कार्य प्रभावित हो रहा है। आज हमारे ग्राम डाक
ग्रामीण डाक से आज दो दिन से लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखते हैं सरकार कब तक हमें यहाँ बिठा के रखती है। हम जो यहाँ मांगे अपने साथ ही व्यत रहे हैं, जो मांगे हैं हम उनको पूरी कराने में लगे हुए हैं, मगर सरकार फिर भी इसमें अभी दो दिन हो गए लेकिन वो गंभीर रूप नहीं ले रही और गंभीर रूप ही नहीं हो रही है। अगर आगे चल कर भी सरकार अगर गंभीर नहीं होती है तो ये हड़ताल जारी हमेशा मतलब लगातार जारी रहेगी और आगे जाकर ये गंभीर रूप धारण कर सकती है। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मदर चाइल्ड यूनिट में विगत कई दिनों से लिफ्ट खराब होने के कारण प्रसूताओं तथा महिला रोगियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिफ्ट खराब होने के कारण प्रसव के लिए आने वाली प्रसूताओं तथा प्रसव के पश्चात डिस्चार्ज होने वाली प्रसूताओं को अपने नवजात शिशुओं के साथ सीढ़ियों के सहारे उतरना व चढ़ना पड़ रहा है। दो तीन दिन पहले से खराब पड़ी लिफ्ट को लेकर अस्पताल प्रशासन का रवैया नकारात्मक बना हुआ है, जिसके चलते अब तक इसे ठीक करवाने के उपाय नहीं किए जा रहे हैं। मालूम हो कि राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय परिसर में निर्मित मदर चाइल्ड विंग में गायनिक वार्ड को स्थानांतरित कर दिया गया है। उक्त विंग में ही महिला रोगियों व प्रसव के लिए प्रसूताओं को प्रसव के लिए भर्ती किया जाता है, लेकिन लिफ्ट खराब होने के कारण प्रसूताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञात रहे कि 14 अगस्त को भी यूनिट की छत पर रोशनी के लिए बल्ब आदि लगाने जा रहा ठेकेदार का कार्मिक लिफ्ट खराब होने के कारण करीब 20 मिनट तक रास्ते में ही फंस गया था। बड़ी मुश्किल से लिफ्ट को ठीक कर उसे बाहर निकाला गया था। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने छात्र संघ चुनाव की घोषणा कर सभी महाविद्यालयों को छात्र संघ चुनाव कराने का निर्देश दिया है। 28 अगस्त को छात्र संघ चुनाव होने हैं, इसकी प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू हो जाएगी। कॉलेज उपाचार्य आरसी लोढ़ा ने बताया कि आयुक्तालय से जारी निर्देशों के अनुसार 21 अगस्त को प्रातः 10 से दोपहर 3 बजे तक मतदाता सूचियों का प्रकाशन होगा। 22 अगस्त को प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक मतदाता सूचियों पर आपत्ति प्राप्त की जा सकेगी। इस प्रकार दोपहर 1 से 5 बजे तक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन होगा। 23 अगस्त को दोपहर 1 से 3 बजे तक उम्मीदवारी के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे तथा 3 से 5 बजे तक उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच एवं आपत्तियां ली जा सकेगी। 24 अगस्त को प्रातः 10 बजे वैध नामांकन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। दोपहर 11 से दोपहर 2 बजे तक उम्मीदवारों द्वारा नाम वापसी तथा दोपहर 2 से 5 बजे तक उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। 28 अगस्त को प्रातः 8 से दोपहर 1 बजे तक मतदान तथा दोपहर 2 बजे से कार्य समाप्ति पर विजयी उम्मीदवारों की घोषणा तथा शपथ दिलाई जाएगी। लिंगदोह समिति के निर्देश के अनुसार छात्र संघ चुनाव में छात्र संघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव के पद के लिए चुनाव होंगे। छात्र संघ कॉलेज प्राचार्य परामर्शदाता की सहमति से सांस्कृतिक सचिव, खेल सचिव का चयन विजेता सीआर में से होगा। कॉलेज आयुक्तालय से आए निर्देशों के अनुसार 28 अगस्त को छात्र संघ चुनाव होगा। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ जयपुर के आह्वान पर ब्यावर उपखंड के विभिन्न कार्यालयों के मंत्रालय कर्मचारी गुरुवार को भी सामूहिक अवकाश पर है। विगत दिनों से शुरू किए गए कर्मचारियों के आंदोलन का गुरुवार को नौवां दिन रहा। कर्मचारियों ने इस बात को लेकर कड़ा आक्रोश जताया कि 8 दिन के बाद भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं देकर कर्मचारियों के हकों के साथ कुठाराघात कर रही है। गुरुवार को उपस्थित सभी कर्मचारी 3600 ग्रेड पे सचिवालय कर्मचारियों के समान वेतनमान तथा वित्त विभाग की ओर से ग्रेड पे 2800 तक मिले परिलाभों को वापस लेने संबंधी आदेश को निरस्त करने की मांग की। कर्मचारियों ने सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये पर गहरा आक्रोश जताते हुए बताया कि सरकार कर्मचारियों की वाजिब मांगों को भी अनदेखा करते हुए तवज्जो नहीं दे रही है। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार को इसका खामियाजा आगामी विधानसभा चुनावों में उठाना पड़ेगा। अध्यक्ष रविन्द्र शर्मा ने बताया कि अपनी वाजिब मांगों को लेकर बुधवार शाम को विधायक शंकर सिंह रावत के माध्यम से ज्ञापन राज्य सरकार को भेजा गया है। गुरुवार को रविन्द्र शर्मा, केदार सिंह, मुदित शर्मा, अनुशील व्यास, अनुपम सिंह, वर्धमान जैन, पुष्कर नारायण अरोड़ा, साहिब सिंह, प्रेमराय फुलवारी, चांदकरण सोनी, राजेंद्र सिंह, लाल मोहब्बत, नरेंद्र अग्रवाल, मोतीलाल चोरोटिया, प्रशांत सरावगी, नंदकिशोर सोनी, मनमोहन, गौतम सोलंकी, विनीता, ललित गुर्डिया, सोमेश भाटी, पंकज बंसल, सुरेश देवानी, योगेश भार्गव, धर्मेंद्र सिंह सिसोदिया, छगनलाल सिंगारिया, रितेश जैन आदि मौजूद रहे।
गुरुवार को धरने के दौरान संघ के कई कर्मचारियों द्वारा अपने साथियों पर सरकारी कालिंदे बनकर हड़ताल तुड़वाने के लिए आमादा होने का आरोप लगा दिया, जिससे कर्मचारियों में आपस में कहासुनी हो गई। एक बार तो मामला इतना गर्मा गया कि संघ के एक पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा देने तक की बात कह डाली। बाद में अन्य कर्मचारियों ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत किया। ऐसी बात करना चाहता हूं मैं, इसलिए करना चाहता हूं कि ये सामने जो व्यवधान सामने आया, इसकी परिप्रेक्ष्य में करना चाहता हूं। मैं कुछ सामाजिक काम करता रहता हूं। कल ही हमने आजादी का दिन 70वां साल मनाया था। हमारे देश को लगभग 70 साल हो गए आजाद हुए, 70 साल हो गए और हम किस पंक्ति पर खड़े हैं, किस जगह हम अपने स्टैंड कर रहे हैं, हमारी कामयाबी कितनी है। पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ता, 10 साल तक बच्चा पढ़ता, तब जाके वो मार्कशीट हाथ में आती है, 10 साल बाद मार्कशीट हाथ में आती है, तब वो कामयाब की लिस्ट में एक पंक्ति पे जाके खड़ा होता है। ये मार्कशीट ऐसे नहीं मिलती है, तो रचने के लिए उन्होंने अपना त्याग और बलिदान और यहाँ तक अपना जीवन न्योछावर कर दिया। सन 1940 और 1942 में आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय गांधी जी के मन में आया कि पूरी जनता देश और देश में पूरी जनता दुखी है। खबरों में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। सत्यम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ब्यावर शहर का एकमात्र संस्थान, जहां डिप्लोमा पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इलेक्ट्रिशियन, बीएससी गणित व स्कूल लेख ही कैंपस में संचालित है। क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों से लगातार सफल इंजीनियर देने में अग्रणी संस्थान, जिसमें विशाल एवं सुसज्जित कैंपस, सुव्यवस्थित कक्षाएं, आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, उच्च प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक, अच्छे नियोजन। इस संस्थान के विद्यार्थी सरकारी विभाग जिंदल, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, अडानी सोलर पावर, लिप्योर, बजाज, एडीसीसी आदि विभिन्न कंपनी में कार्यरत, समय समय पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोर्स अध्ययन के साथ साथ छात्र विकास हेतु वर्ष भर खेलकूद कार्यक्रम, SC ST OBC+BPL छात्रों को छात्रवृत्ति सुविधा, 24 घंटे इंटरनेट, बिजली एवं शुद्ध जल की सुविधा, उत्तम हॉस्टल सुविधा। तो एडमिशन लेने के लिए जल्द ही संपर्क करें ग्राम सनवा उदयपुर रोड ब्यावर, मोबाइल नंबर 8104097500941334500। अरे सुनो हो भाग्यवान, कहीं के वो बोलो थे। आजकल अखबार में किसी किसी खबर आवा लागी है, थे तो अखबार ही पढ़ता रहो, आज तक कहीं कर दियो थे हमारे वास्ते। अरे थाने कहीं चावे रानी सा, हुकुम तो करो। आज कौन सो दिन है, था है थाने? हाँ आज मंगलवार है और बालाजी रविवार है और कहीं। ए भगवान, आज आपारी शादी रे साल गिरा है। ओ, अरे मने याद है रानी सा, ओ लो आपरो उपहार। अरे वाह, इतरो सुंदर हार कठे सु लाया? पूरा शहर में एक ही तो नाम है, मनस्वी ज्वेलर्स। अपनी घरवाली से करो हो प्यार तो मनस्वी ज्वेलर्स हर बार। You join me in the beautiful and mystical state of Rajasthan with Honda's latest offering in the 100cc scooter segment, the Click. मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, no confusion. That's the नई generation वाली Activa 4G. आपके शहर में होंडा ब्रांड टू व्हीलर्स के एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर राजेंद्र ऑटोमोबाइल्स। राजेंद्र होंडा के शोरूम से लीजिए शानदार मोटरसाइकिल, स्कूटर आकर्षक रंगों व फीचर्स में, दमदार इंजन, शानदार माइलेज, HET जापानी टेक्नोलॉजी से बने बेहतरीन टू व्हीलर्स जो बना दे आपके हर सफर को यादगार, पूरे परिवार की पहली पसंद। होंडा सिटी डीलर्स, होंडा शाइन, होंडा लीवा, एक्टिवा 125 और भी होंडा के बहुत से प्रोडक्ट्स जो बना दे आपके हर दिन को खुशगवार, बेहद आसान फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। तो आज ही चली आइए राजेंद्र होंडा के शोरूम, राजेंद्र ऑटोमोबाइल्स,
आईओसी कॉलोनी के सामने जोधपुर रोड ब्यावर 0-14-62-224-881 94-140-092-53। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शहर के सेंधा रोड स्थित अंबेडकर सर्किल के सामने गुरुवार दोपहर में अजमेर रोड की तरफ से आ रहे रोड रोलर के चालक ने लापरवाही पूर्वक रोलर चलाकर एक स्कूटर को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटर के पीछे सवार 6 वर्षीय स्कूली छात्रा उछलकर स्कूटर से नीचे गिर गई। हादसे में बच्चे के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। घटना के बाद घायल बच्चे को उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका उपचार शुरू किया गया। जानकारी के अनुसार साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड निवासी देवकरण 6 वर्षीय बालिका विनीता को स्कूल से लेकर घर की ओर जा रहा था कि अंबेडकर सर्किल के यहां पर सेंधा रोड की तरफ से जा रहे रोड रोलर ने स्कूटर को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटर के पीछे बैठी बालिका उछलकर नीचे गिर गई। उसके नीचे गिरने से उसके पांव में फ्रैक्चर हो गया। दुर्घटना का पता चलते ही बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, जिससे रोड के दोनों ओर जाम लग गया। आसपास के लोगों की मदद से घायल बालिकाओं का उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचा गया। उधर रोड जाम की जानकारी मिलते ही यातायात पुलिस के पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुगम करवाया। दुर्घटना की जानकारी पर चांगेर चौक के प्रभारी एसआई सुनील कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर दुर्घटना कारित करने वाले रोड रोलर को जब्त कर लिया। मेवाड़ी गेट बाहर स्थित रामसर पीर बाबा रामदेव मंदिर में समिति की ओर से 2 दुकानों के निर्माण स्वीकृति चाहने पर नगर परिषद प्रशासन द्वारा निर्माण स्वीकृति दिए जाने के बजाय निर्माण को अवैध बताते हुए 24 घंटे के भीतर निर्माण को हटाने का नोटिस जारी किए जाने से खिन्न समिति के सदस्य गुरुवार दोपहर में मंदिर के बाहर धरने पर बैठ गए। धरने में समिति के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सरवन सिंह बंजारा की 73 वर्षीय पत्नी श्रीमती सायरा देवी बंजारा भी शामिल है। जानकारी के अनुसार रामसा पीर बाबा रामदेव मंदिर के कब्जेशुदा जमीन पर बाबा रामदेव मंदिर समिति की ओर से 2 दुकानों का निर्माण करवाया जा रहा है। समिति ने इसके लिए नगर परिषद में निर्माण स्वीकृति के लिए आवेदन किया था। समिति की ओर से दिए गए आवेदन को लेकर नगर परिषद आयुक्त ने 16 अगस्त को एक नोटिस जारी करते हुए कनिष्ठ अभियंता व एटीपी की मोका रिपोर्ट का हवाला देते हुए निर्माण को अवैध अनाधिकृत एवं मार्ग अधिकार में अतिक्रमण मानते हुए समिति अध्यक्ष व मंत्री को 24 घंटे के भीतर अपने स्तर पर निर्माण को हटाने के निर्देश दिए थे। नोटिस की अवधि समाप्त होने पर गुरुवार को मौके पर पहुंची परिषद की टीम ने निर्माण कार्य को बंद करवाकर निर्माण औजार आदि जब्त कर लिए। नगर परिषद प्रशासन की ओर से की गई इस कार्यवाही से खिन्न समिति के राजेंद्र सेठिया, नंदकिशोर साखला, ज्योति बंजारा, भरत सिंह रवि तथा सायरा देवी बंजारा मंदिर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठी सायरा देवी सहित अन्य ने नगर परिषद पर द्वेषतापूर्ण कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनके पास में स्थित अन्य लोगों ने पूरे रोड पर अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन प्रशासन उनको कुछ नहीं कहता है, जबकि उन्होंने नियमानुसार वे मंदिर के कब्जेशुदा जमीन पर ही दुकानों का निर्माण करवाया है, फिर भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। धरने पर बैठे सदस्यों ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर तथा सीएम को करने की बात कही है। ये 50 साल पुराना खरीदी हुई तो जमीन है सरन सिंह बंजारे की, उनके 2 साल के दिनमान में शांत हो गए, उसके बाद में इसकी मालिक मैं हूँ। अब इसको मंत्री संतरी की किसी की जरूरत नहीं है मेरे को, और मैं खाना पीना बंद करूँ। मंदिर 2800 मेला है, मेले को बनाने के लिए ये कार्य चल रहा है मेरा, जिसको बंद करा दिया गया और ये मतलब चिपका दिया, जाते जाते मतलब बातें करते करते 4.5 फुट मेरी आगे है, प्यू है, जिससे जहाँ तक मेरी जमीन है, झूठ राठौड़ी कार्रवाई से पोली तोड़ी जा रही है। अंजल का त्याग कर रही हूँ, खड़ी हो गए जब तक खाना पीना चाय पानी कुछ नहीं पीऊंगी, अन्न ग्रहण नहीं करूंगी, ये पक्का अनशन में बैठ गई हूँ मैं। चाहे मेरे साथ कोई आवे चाहे नहीं आवे, मैं अकेली बैठी हूँ, मैं अकेली बोल कुछ ही नहीं कहूंगी जब तक ये नोटिस उठे नहीं और इसका कार्य पूरा नहीं होगा, जिसके लिए कुछ नहीं खाना पीना करूंगी।
सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में गुरुवार को जीएसटी पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के सभागार में प्रातः 11:30 बजे से आयोजित सेमिनार में बड़ी संख्या में कॉलेज विद्यार्थी, व्याख्यातागण तथा शहर के व्यापारी गण व आम नागरिक शामिल हुए। युवा विकास केंद्र के तत्वावधान में आयोजित सेमिनार में महेंद्र सिंह राठौड़ एवं उनकी टीम के सदस्यों गोविंद चौहान, हरेंद्र चौधरी, कैलाश सोनी व आनंद सिंह कविया ने जीएसटी को लेकर अपना उद्बोधन दिया। सहायक वाणिज्य कर अधिकारी गोविंद सिंह ने विस्तृत उद्बोधन में जीएसटी की संपूर्ण रूपरेखा से अवगत कराया। सेमिनार में व्यापार क्षेत्र के व्यापार मंडलों से जुड़े व्यापारी बंधु गोविंद सर्राफ, संजय गर्ग, सौरभ सिंघल के केवलचंद सहित अन्य ने भाग लेकर जीएसटी संबंधी भ्रांतियों को दूर किया। सेमिनार के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. आरसी लोढ़ा ने की। सेमिनार में डॉ. अरुणा गुप्ता, डॉ. नरेंद्र कुमार, डॉ. धीरज पारिक सहित अन्य ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन युवा विकास केंद्र के संयोजक डॉ. दुष्यंत पारिक ने किया। कार्यक्रम में अतिथि का आभार डॉ. एन के साथ ने व्यक्त किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर एसडी कॉलेज की विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने की मांग की है। ज्ञापन में पदाधिकारियों ने बताया कि एसडी कॉलेज में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यार्थी उच्च कक्षाओं में अध्ययन के लिए आते हैं, लेकिन महाविद्यालय में पर्याप्त सीटें नहीं होने के कारण अनेक छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। ज्ञापन में एसडी कॉलेज में वनस्पति विज्ञान विषय शुरू करने, महाविद्यालय के प्रथम वर्ष कला, वाणिज्य व विज्ञान विषय में 2-2 संकाय और खोलने तथा रसायन शास्त्र व प्राणी शास्त्र विषय में सीटें बढ़ाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में दुष्यंत टाक, यश खंडेलवाल, भरत मंगल, अभिषेक सिंह चौहान, दुष्यंत रावत, जयप्रकाश जांगीट, करण चौधरी, शैतान सिंह, शौर्य जोशी, विजय रावत, रवि रावत तथा नंदकिशोर गोयल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। अजमेरी गेट स्थित रामद्वारा में अडानिया परिवार के सौजन्य से चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान गुरुवार को कथावाचक संत गोपालराम महाराज ने बताया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने महाराज का भव्य आयोजन किया, जिसमें अनगिनत गोपियों ने भाग लिया। यही नहीं, महाराज में स्वयं भोले बाबा ने भी शंकरी के रूप में शामिल हुए। संत ने कहा कि जीव व शिव का मिलन ही रास है और रासलीला कामलीला है। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को हर घटना अपने अपने चश्मे के रंग के अनुसार दिखाई देती है। इस मौके पर संत ने बंशी जोर के बजाई रे नंदलाल भजन प्रस्तुत कर उपस्थित श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। संत ने कहा कि भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है। महाराज के दौरान जब राधा जी को भगवान के साथ का अभिमान हो गया था तो भगवान उसी समय अंतर्धान हो गए थे। कथा के सायकालीन सत्र में रुक्मणी विवाह के प्रसंग पर आकर्षक झांकियां सजाई गई। मीडिया प्रभारी रामप्रसाद मित्तल ने बताया कि संगीत में श्रीमद् भागवत कथा शुक्रवार को विश्राम लेगी। गुरुवार को कथा के दौरान शाजीलाल अडानिया, बालमुकुंद सोनी, महावीर प्रसाद, गोविंद प्रसाद, उदित, कैलाश मानक, रतनलाल, अशोक, आलोक, रमेश, गोपीलाल सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। नेशनल काउंसिल ऑफ ऑफिसर्स एवं पीयूएस के आह्वान पर गुरुवार को बीएसएनएल अधिकारियों ने वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर एक दिवसीय विरोध जताया। इस दौरान अधिकारियों ने गणवेश पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शित किया। संघ के प्रेमराज नोगिया ने बताया कि लंबे समय से वेतन विसंगतियों को लेकर केंद्र सरकार से लगातार वार्ता व पत्र व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण अधिकारियों में असंतोष व्याप्त है। नोगिया ने बताया कि लंबे समय से पे रिवाइज होने हैं, लेकिन इस ओर सरकार का रवैया उपेक्षापूर्ण बना हुआ है। उन्होंने बताया कि अगर शीघ्र ही इस ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो अधिकारियों की ओर से आंदोलन को उग्र किया जाएगा। गुरुवार को काली पट्टी बांधने वालों में महावीर प्रसाद जैन, मानीलाल फुलवाड़िया, कपिल राठौड़, प्रतीक माहेश्वरी आदि अधिकारी शामिल थे। शहर के बहुचर्चित गौशाला गोचर भूमियों को लेकर उपखंड न्यायालय में धारा 145 में प्रस्तुत प्रकरण स्टेट बनाम धर्मशिला एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कंपनी ब्यावर के मामले में उपखंड अधिकारी ब्यावर ने सिटी थाना अधिकारी यशवंत यादव को रिसीवर नियुक्त किया है। यादव प्रकरण के निस्तारण तक रिसीवर बने रहेंगे। मामले की आगामी सुनवाई 12 सितंबर 2017 को तय की गई है। जानकारी मिली है कि उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं। मालूम हो कि गोचर भूमि प्रकरण को लेकर विगत कई वर्षों से शहर
करके हिंदूवादी संगठन तथा नागरिक सतर्कता समिति की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। विगत दिनों देलवाड़ा रोड पर स्थित 90 बीघा गोचर भूमि को लेकर भी खरीदार तथा हिंदूवादी संगठनों के बीच विवाद हो गया था। मामले में विधायक रावत ने हस्तक्षेप करते हुए मौके पर काम बंद करवा दिया था। इस दौरान पुलिस ने 5 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया है। विकलांग सहायता सेवा समिति की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत बुधवार से आयोजित 2 दिवसीय यूनिक आईडी शिविर गुरुवार को संपन्न हुआ। शहर के मेवाड़ी गेट स्थित जैन दिवाकर लाइब्रेरी भवन में आयोजित शिविर में दूसरे दिन कुल 15 दिव्यांगजनों ने अपना पंजीयन करवाया। शिविर समापन तक 2 दिनों में कुल 90 दिव्यांगजनों ने यूनिक आईडी के लिए अपना पंजीयन करवाया। विकलांग सहायता सेवा समिति ब्यावर के अध्यक्ष पप्पू पहलवान ने बताया कि शिविर में दिव्यांगजनों का भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र, मूल निवास या राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र तथा आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों के आधार पर पंजीयन किया गया। शिविर में दामोदर गहलोत, मुकेश बोहरा, राजेंद्र सिंह, मधु शर्मा, रामप्रसाद साहू, पुरुषोत्तम, सुनीत अग्रवाल, अनिल उमरवाल, अभय राज, कल्याण सिंह, नोटरी पब्लिक राजकुमारी तंवर, समाजसेवी मनोहर सोलंकी, ई मित्र संचालक मनोज भाटी ने अपनी सेवाएं दी। ब्यावर विकलांग सहायता सेवा समिति द्वारा 2 दिवसीय यूनिक आईटी शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें कल दिनांक 16 तारीख को जो शिविर के अंदर 75 फॉर्म आवेदन आए थे जिनके यूनिक आईटी कार्ड बनने जा रहे थे, और आज अभी तक अभी जो इस समय में 15 हमारे जिनका आ गए हैं, और अभी ये हम कंप्यूटर में चला करके यूनिक आईटी कार्ड बनवाएंगे। और हमारा विकलांग सेवा समिति पिछले जो हमने नगर परिषद में भी लगाया था 17 तारीख को, उसमें भी 50 यूनिक आईडी कार्ड हमने बनाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ब्रेडिंग के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार। रेलवे के कर्मचारियों ने रेल यात्रियों को दिया स्वच्छता का संदेश, नुक्कड़ नाटक कर यात्रियों को स्वच्छ भारत अभियान के लिए किया प्रेरित। कॉलेज आयुक्तालय के निर्देश पर छात्र संघ चुनाव तिथियां घोषित, 28 अगस्त को होगा छात्र संघ पदाधिकारियों के लिए चुनाव। मंदिर की जमीन पर बनी दुकानों को हटाने की कार्यवाही पर नाराज हुए समिति सदस्य, कार्यवाही के खिलाफ वृद्ध महिला सहित अन्य सदस्य बैठे धरने पर। और अंबेडकर सर्किल पर रोड रोलर ने मारी स्कूटर को टक्कर, स्कूटर के पीछे सवार 6 माह की बालिका हुई गंभीर रूप से चोटिल।